क्योंकि मरी मराए जलाए जाते हैं ना वहां मृत, वहां शमशान घाट पे। तो जो लोग मरे मराए जानवर खा रहे हैं, ये तो मरघट शमशान घाट वाली आग है। और सच मानिए, जो देवताओं को भोग लगा करके भोजन कर रहे हैं, ये तो साक्षात यज्ञ कुंड जल रहा है पेट में। वो देवताओं को आहुति डाली जा रही है। परम वैष्णव बनिए, धीमे धीमे लहसुन प्याज का भी त्याग कर दो। ये कोई ऐसा नहीं है कि आकाश से गिरा जमीन में से हुआ है। आयुर्वेद में उसको बड़ा ठीक माना गया है, लेकिन इसमें तामसी प्रवृत्ति है। ये आपको भजन नहीं करने देगा, ये स्वभाव को चिड़चिड़ा कर देगा। नहीं तो किसी को पैरालिसिस हुआ हो तो दूध में उबाल करके लहसुन दो, वो ठीक हो जाएगा। हाँ, प्याज से भी हैजा जैसी बीमारियां नहीं होती। और ऐसी तमाम बीमारियां हैं, बाल नहीं गिरते, बालों की सुंदरता खत्म नहीं होती है, प्याज के अपने गुण हैं। लेकिन अकेले बाल सुंदर बने रहे और सब पनिया ढार हो जाए तो भी तो गड़बड़ है ना। फिर खाली बालों से ही क्या होगा, फिर जब और ही चौपट हो जाए, स्वभाव ही गड़बड़ हो जाए। तो आप साग में हींग का भी परहेज करें। आप कहोगे सब छुड़वा ही दोगे तो फिर क्या खाएंगे, तेज पत्ता डालो ना उसमें, दालचीनी डालो, पीपल डालो, ये आपकी रसोई में होना चाहिए, जिससे आप स्वस्थ होंगे, स्वाद भी आएगा। ये चीजें हो घर में, लेकिन दालचीनी पता नहीं होगी कि नहीं होगी। तेज पत्ता डालो उसमें, लौंग डालो, वो काली मिर्च, ज्यादा लाल मिर्च खाने से तामसी प्रवृत्ति होती है, ज्यादा हरी मिर्च खाने से एक बीमारी है सुन्नपना, जिसमें बुढ़ापे में कंपन जैसा होता है शरीर में। आप समझ रहे हैं, ऐसे हाथ यूं अपने आप वाइब्रेशन में लगे रहते हैं, ऐसे ही ज्यादा हरी मिर्च खाने से बीमारी होती है। पुरुष का पौरुषत्व तो खत्म होता है, हरी मिर्च धातु को पतला कर देती है। तो कोई भी चीज है वो लिमिट में हो। आजकल मैं आयुर्वेद की किताबें बहुत पढ़ रहा हूं। किसी को दमा की श्वास की बीमारी है, गौ माता के खुर जब बढ़ जाते हैं तो वो काटे जाते हैं, आग जलाएं और उसमें वो खुर जले आगे का उसका नाखून, गौ माता का उसका धुआं नाक के द्वारा अंदर चला जाए, श्वास की बीमारी खत्म हो जाएगी। ऐसा महात्मा चरक ने अपनी संहिता में लिखा। मैंने एक वीडियो भी डाली है इसके लिए। ये वीडियो को आप सुनते रहा करो। मैं आपको गणेश जी की कथा सुना रहा हूं, तो गणेश जी का पहला नाम है सुमुख सुंदर मुख वाले भगवान। आप भी सुंदर मुंह वाले बनिए। वो क्रीम पोत करके, पाउडर पोत करके सुंदर मुख नहीं बनेगा, सुंदर मुंह बनेगा। भगवान को नित्य वंदन करो, नित्य पूजन करो, सुंदर मुख बनेगा जब नित्य सूर्य भगवान का दर्शन करोगे। चेहरे की चमक कम नहीं होगी, सूर्य भगवान को रोज दर्शन करो, सुंदर मुख बनेगा। ऋतुकाल के बाद जिस दिन स्नान होता है, उस दिन सबसे पहले अपने पति का मुख दर्शन करो। ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा, भगवान के दर्शन से भी पहले। यदि वो घर नहीं है, बाहर है, तो उसकी फोटो मंगाओ, उसके मुख का दर्शन करो, ये लिखा हुआ है। यदि कोई काट सके तो मेरी बात काटे फिर, यदि मैं ठीक नहीं, अभिमान के साथ नहीं, बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ बोल रहा हूं। ऋतुकाल के बाद में चौथे दिन या पांचवें दिन नारी स्नान के बाद में अपने पति का दर्शन करती है, इससे उसके चेहरे पर रौनक आती है। देव दर्शन करे हर स्त्री, अविवाहित बेटियों के लिए चंद्र दर्शन बहुत जरूरी। धरती पर जितना भी सौंदर्य नारी को मिला है वो भगवान चंद्र देवता ने दिया है। नारी जब तक पूर्णिमा का व्रत नहीं करती, जब तक चंद्र देवता के ऋण से वो मुक्त नहीं होती। यदि चंद्र देवता का ऋण लेकर मरेंगे, मौत को प्राप्त होंगे, तो अगली बार तो सब कुरूपता मिल जाएगी, दांत ऊपर नीचे होंगे, टेढ़े मेढ़े होंगे, तो मुंह ऊपर नीचे होगा, अंग प्रत्यंग ठीक ठाक नहीं होंगे। तो पूर्णिमा का व्रत नारी के लिए, मात शक्ति के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मैं भगवान गणेश जी की चर्चा आपसे करूं। शुमुक शैकदंतश्च कपिलो गजकर्ण लंबो दृश्य विकटो विघ्ननाशो विनायक
धूम्र केतु गणाध्यक्षो भान चंद्रो गजानन द्वादशे तानि नामानि या पठे शुणुयादपि। आपका मुख सुंदर हो जाएगा, सबसे पहले भगवत दर्शन कीजिए। सुबह जागते हो, मोबाइल में टाइम देखते हो, स्क्रीन पर भगवान की तस्वीर लगाइए। ऐसा हम लोग करते हैं, सबसे पहले भगवान के मुख का दर्शन करते हैं, प्रभु का मुखमंडल देखते हैं। तो गणेश जी सुंदर मुख वाले हैं। सुंदर मुख वाले वही हैं जो किसी को गालियां नहीं देते, जिनकी जेबिया पर भगवान का नाम होता है, जिनका खान पान बहुत बढ़िया है, उन्हीं का सुंदर मुख है। गणेश जी के बारह नामों से तो हमें कई प्रकार की शिक्षा मिलती है। गणेश रिद्धि सिद्धि देने वाले हैं, सिद्धियां दे देते हैं भगवान गणेश। आप भी इस धरती को बहुत कुछ देने वाले हो जाएंगे गणेश जी से कुछ सीखने। एक गणेश जी के एक हाथ में लड्डू आए, गणेश जी के एक हाथ में फर्स आए, गणेश जी के एक हाथ में ग्रंथ है और गणेश जी के एक हाथ में क्या है, रस्सी। चार चीजें ना, चार हाथों में, गणेश जी के चार हाथों में चार चीजें, और चारों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लड़ुआ, लड़ुआ का मतलब सदैव प्रसन्न रहो। मिठाई बहुत है लेकिन लड़ुआ से बढ़िया कोई मिठाई नहीं। और लड्डू तो तब का है जब से सृष्टि की रचना हुई, जलेबी वलेबी बीच में आ गई, खुरमी खाजा सब बीच में आ गए, हापड़ पापड़ सब बीच में आ गए। तो पुरानी बहुत चीज है, पापड़ भी बहुत पुराना है, ये लड्डू से पुराना कुछ भी नहीं है, अनादि काल से लड्डू की बात है। मुझे ऐसा लगता है जब से गणेश तब से लड्डू, गणेश अनादि काल के हैं, सृष्टि के भी और पहले से पहले गणेश हैं, क्योंकि गणेश जी के हाथ में चारों हाथों में चार चीजें, तो उसमें एक लड्डू है, तो लड्डू का मतलब क्या है, लड्डुआ तो अनादि काल से। और हमारे ग्रंथ कहते हैं कि गणेश के हाथ में लड्डू है, लड्डू प्रसन्नता का प्रतीक है, कितनी भी दिक्कत परेशानी चल करके आवे आप अपनी खुशियों को मत खोइए, प्रसन्न रहिए, प्रसन्न चित्त जीवन जीना है। बहुत लोग घरवाले से दुखी हैं, ये बहन है घरवाले से ज्यादा दुखी है। मैं पूछता हूं दुख का कारण, अब क्या बोलूं मैं, जो वो बताती है मुझे तो बताने में भी शर्म भी लगती है और हंसी भी आती है, दोनों बातें। कहती है वो मेरी बात नहीं मानता, पराई जनानियों के चक्कर में फंस गया। मैंने कहा तेरा बेटा 24 साल का हो गया है, तुझे अब फिक्र क्या है, हैं बानप्रस्थ जीवन आगे खड़ा हुआ, भगवान का भजन कर। मैं अपनी जीजियों को अपनी बहनों को पूछता बोलता हूं, इसी में परेशान है। अपनी माँ की बात मानता है, वो अपनी ही माँ की बात मानेगा, आप ये चाह रहे तुम्हारी माँ की बात माने, उसकी बात मानता है, मेरी तो सुनता ही नहीं है। कभी बाजार घुमाने को नहीं लेके जाता, अपने आप चले जाइए, चले जाते ही है। मैं तो ये तो नहीं कहूंगा अपने आप चले जाइए, चलो वो नहीं जाता तो बच्चों के साथ चले जाइए। मैं 100 बातों की एक बात बोलूंगा, ईश्वर ने बड़ी कृपा की है, जीवन मिला है, इसको दुख के साथ नहीं, इसको आनंद के साथ बिताइए। हम लोगों के हम लोग बड़े खुश रहते हैं, बड़े प्रसन्न रहते हैं। बेटा दूर चला गया है, बहुएं दूर चली गई, आप अकेले हैं, तो इसका अर्थ आप जानते हैं, कितना भी कमा लो, मकान के ऊपर मकान बना लो, आखिर में यात्रा अकेले ही होगी, अकेले अकेले, सब अकेला ही है, कुछ नहीं अकेला। तो अकेले रहने का भी अभ्यास कीजिए। अकेले में योगी रहता है, सिंह रहता है अकेले में, शेर अकेले। तुम्हारे पास है तो बच्चे थोड़े देर के लिए चले जाए तो तुम परेशान, घर वाला चले जाए तो परेशान, घर वाली चली जाए कहीं तो परेशान। अभी इन दिनों में घर वाले बड़े परेशान हो रहे हैं क्योंकि देवियां पियर चली गई हैं। सुमकशई का प्रसन्न रहिए, अति प्रसन्न रहिए। भगवान गणेश का पहला नाम मुस्कुराता हुआ चेहरा, लटका हुआ नहीं, हाथ में मोदक लड़ुआ प्रसन्नता का प्रतीक है। कितनी भी दिक्कत परेशानियां आ जावे लेकिन अपनी प्रसन्नता को गिरवी मत रखिए कहीं, प्रसन्नता अपने पास रखिए, मोदक। गणेश जी के एक हाथ में ग्रंथ है, किताब है, माथे पर क्यों नहीं है, हाथ में ही क्यों है? गणेश जी के एक हाथ में ग्रंथ है, हाथ में क्यों है ग्रंथ है? इसलिए
क्योंकि ग्रंथ में बढ़िया जीवन जीने के लिए बहुत बातें कही गई हैं। में बिठा लें जन्माष्टमी के दिन जो महारुद्राभिषेक होने के लिए जा रहा है आप इस सेवस में महा और गोपाल जी का अभिषेक होने के लिए जा रहा है आप इस सेवस में जुड़िए। फिर पूज्य महाराज 30 सितंबर को सालासर में हैं, जितने भी भक्तजन सालासर धाम आप झुंझुनू से हैं, चूरू से हैं, राजगढ़ से हैं, जयपुर से हैं और भी आप सालासर के नजदीकी जनपदों में रहने वाले हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा 30 सितंबर में बिठा लें जन्माष्टमी के दिन जो महारुद्राभिषेक और जानते हैं प्राय आप सभी मानते हैं माता पिता की सेवा करो इसका इतना पुण्य सब ग्रंथों में लिखा है, वो ग्रंथों में ही लिखा रहेगा कि करके भी बताओगे। मंदिर बनाओ बड़ा पुण्य है, मंदिर बनाओ बड़ा पुण्य है, तो ये तो उसमें लिखा ही है, पांच ईंट कहीं लगा करके तो देखो। प्रयाग जाओ माघ नहाओ बड़ा पुण्य है, तो सर्व मिश्री मिश्री कहने से मुंह मीठा नहीं होता, मुंह मीठा होने के लिए मिश्री अंदर जानी चाहिए। हाँ, ये करो ये करो ये करो इससे ही पूरा नहीं होता। गणेश जी के हाथ का ग्रंथ कहता है कि सबसे पहले उसको करके बता दो, और राम जी ने यह किया इसलिए घर घर में उनकी पूजा होती है। ये करो गणेश जी कहते, गणेश जी सबको कर्मशील बनाते, सबको मेहनती बनाते हैं। आपके पास कितना भी पैसा हो, कृष्ण की कथा मुझे इसलिए अच्छी लगती है, नंद बाबा के पास बहुत गौधन था, बहुत पैसा था, नाना जी के पास भी प्रॉपर्टी की कमी नहीं थी, आ तो देवता हो तो पहुंच ही जाए कि बड़ा ठीक हो गया है, दे दो नाना जी बसिया।